गाइस, फिर से मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी को। बहुत दिनों के बाद में ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं कल मेरा यहाँ ससुराल पहुँचा कुछ काम से, तो आया है। तो जब भी मैं आता हूँ तो हमारे जो पूरा भाई हो गया उन लोगों को लगे पूरा बुढ़ के जंगल में जाएगा लकड़ी बुनने के लिए। तो जंगल में जाने से वो क्या क्या लेके जा रहा है अभी लकड़ी बुनने के लिए, मैं उसको आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है सबसे पहला चीज़। ये इसको बोलता है, हम लोग का लोकल लैंग्वेज में पी बोलता है। पी मतलब ये एक रस्सी है जो हम लोग लोकली मेट होता है, इसके द्वारा लकड़ी को बांध कर बुकता है माथा में। और ये तो दाव आप जानते ही, और ये एक्स इंग्लिश में कहता है, हमारा भाषा में इसको ब्लू कहता है, और ये दाव को हम लोग वैक्सन कहता है। तो इससे लेकर जाऊंगा इसके द्वारा, ये तीनों चीज़ों के द्वारा सब मैं लकड़ी को जमा करूंगा और बुक कर लेकर आएगा। तो आप लोग देखते रहिए मेरे साथ में, बने रहिए। तो गाइस, ये है मेरा ससुराल। तो गाइस, मैं अभी थोड़ा जंगल जगह में पहुंच गया हूं। अभी और भी थोड़ा जाना है, थोड़ा दूर। तो आप लोग को मैं एक सीन दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो बस्ती देख रहा है आगे में, एक दो घर जो दिखाई दे रहा है उधर में, ये सब एरिया, ये जो दिचिक बस्ती बोल के है। और दस है जो ये जो रोड गया है, ये जो दिबिन रास्ता है। ये देखिए, ये संतरा का पेड़ और नीचे में आम का पेड़। ये मेरा ससुरा और ससुरी दोनों लगाया है, ये हम लोग का खेती है। ये सुबह सुबह को देखा यहाँ में, मेरा ससुरा खेती में आया है। भी जा लो, मैं भी जा और दे देर जा संतरा से माँ। हाँ ठीक है, हमको संतरा खिलाया। और मेरा ससुरी हम लोग का भाषा से अजय बोलता है, तो यहाँ में खेती कर रहे हैं, वो सुबह सफा कर रहे हैं। वो रूपांतर है। ये है मेरा ससुरी खेती काट रहे हैं, इतना सुबह उठ के। ये सब आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, और ये लो बम्बू देख सकते हैं, इतना पूरा बुरी हो गया। फिर भी खेती करना नहीं छोड़ता है बस्ती में ये लोग। हम लोग उठने का बाद ये लोग भी यहाँ खेती में आके ठीक से खेती कर रहा है। मैं अभी लकड़ी बुकने जा रहा हूँ। मैं अभी जंगल में घुस गया हूँ, अभी लकड़ी दुनेगा सुखाला कहाँ मिलता है। और मुझे यहाँ पर आते हुए क्या दिखाई मिला देखिए, ये देख सकते हैं, ये एंथ का घर है जो पेड़ का ऊपर बनाता है, छोटा छोटा एंथ, ब्लैक एंथ यहाँ में है। ये चल रहा है देख सकते हैं। तो गाइस, अभी लकड़ी दुनेगा कहाँ मिलेगा। तो एक लकड़ी सूखा दिख गया, ये एक दो पीस है, ये पूरा सूखा है। अभी इसको मैं काट के सफा करूँगा और टुकड़ा करेगा।
गाइस इसमें थोड़ा सा जमा कर लिया, अभी और थोड़ा धुनेगा इधर उधर से। तो गाइस अभी ये मेरा ससुरा ने जो संतरा दिया है इसको छिल के खाएगा। लोकल संतरा है, मेरा ससुरा लोग जो खेती में लगाया बोला है, लोकल वाला है, इतना छोटा भी अभी पका भी नहीं है, तो थोड़ा ढूंढा है। थोड़ा तेंगा है और मीठा भी है। थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा, टेस्ट बढ़िया है। कभी कभी ऐसे बस्ती में आना और ये सब लकड़ी जमा करना बहुत अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि शहर में रह रहे कि बहुत सारा गाड़ी घोड़ा का काम शाम का वजह से माइंड स्ट्रेस भी हो जाता है। तो कभी कभी बस्ती आना है, ऐसे जंगल में कुछ कुछ लकड़ी काटने जाना, काम वाम करना बस्ती का, तो ये सब माइंड फ्रेश करता है। अभी रेस्ट हो गया है तो अभी फिर लकड़ी थोड़ा जमा करेगा, अभी धुनेगा इधर उधर में जहाँ मिलता है, फिर लेकर आएगा इधर में जमा करके इसको बांध के ले जाएगा। लकड़ी जमा हो गया है, अभी इसको मैं बांधेगा, उसके बाद में ले जाएगा। फिर उसी एक इधर साइड और एक इधर से रखना है, तो ऐसे रख के ये रखने के बाद में अभी जो ये लकड़ी है इसको जो है पहले ऐसे रखना है। जो लकड़ी सीधा है जैसे कि ऐसे सीधा, उसको ये आगे से रखना है, यहाँ में ऐसे रखना है ताकि ये जो पीठ में भुगने में ये दर्द नहीं देने के लिए इसको आगे में रखना है, और बाकी जो भी खराब है उसको पीछे रख सकते हैं। जितना भी आप बुक खेगा आपका ये हिसाब से इसको ऐसे करके बांधना है, तो मिला के बांधना है।
ये दार जो है हमेशा पीछे साइड होना है, आगे साइड नहीं होना है, अचानक आपको काट सकता है, गिरने से काट सकता है, तो ये पीछे साइड होना है। मुझे पैसे बुक किए तो अभी जाना है घर। तो गाइस थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, इसलिए जितना भी मेरे चैनल में नया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस अभी आधा रास्ता में है जंगल में, अभी भी हम घर बहुत दूर है, अभी भी बहुत ज़्यादा दूर, तो अभी घर बुक की जाएगा। बहुत थक गया है, तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं और लकड़ी भी घर में जमा कर दिया है। ये है मेरे ससुर का घर, ये रूम और ये है किचन। बस्ती में ये उस दिन से आ गया है, बस्ती आके कैसे लग रहे? अच्छा ही लग रहे, ब्रश भी नहीं है, मुंह भी नहीं धुलाया, अच्छा ही लग रहा, आग भी फूला फूला आग में बैठ। तो ये है किचन, यहाँ ने जमा कर दिया। ये किचन है हम लोग का लोकल किचन। तो गाइस आज का ब्लॉग को इतना में ख़त्म करते हैं, फिर से मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।